देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि सिलॉज में होता क्या है। इसमें देखिए चार टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। एक आपका होता है ऑल, दूसरा होता है सम, इसके बाद होता है नो, और उसके बाद सम नॉट। अब इसका डायग्राम देखिए कैसे बनता है। अगर आपको बोला गया है, क्वेश्चन में आएगा आपको, सपोज लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, तो जो ध्यान रख लीजिए जो ऑल के साथ पहले लिखा गया है वो अंदर रहेगा। ये हुआ हमारा ए और ये बन गया बी। ऑल ए आर बी मतलब कि सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी। अगर बोलता है ऑल बी आर ए, या बोल देता हूँ ऑल डी आर ई, सो ये ध्यान रखिएगा जो पहले ऑल के साथ लगा है वो अंदर बनेगा, मतलब कि डी अंदर आएगा और इसके ऊपर आ जाएगा आपका ई। सो ये है ऑल डी आर ई, मतलब कि सारे डी ई हैं। अब सम की बात कर लेते हैं। सम में अगर बोलता है और सॉरी सम ए इज बी, इसका डायग्राम कैसे बनता है। ये आपका है ए और ये आपको इसको इंटरसेक्ट करते हुए आपका बन जाएगा बी। सम ए इज बी मतलब कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं क्लियरली, ये जो है ये बी में है। सम ए इज बी, और बोलते हैं अगर सम बी इज ए तब भी सही है ये, इसका मतलब बी का कुछ पार्ट ए में है, यहाँ पर है, बिल्कुल सही है ये। अब अगला देख लेते हैं नो। नो ए इज बी, इसका डायग्राम कैसे बनता है। इसका मतलब है नो इज बी मतलब कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है। सो ये ए हो गया हमारा और ये हमारा बी हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। इसके बाद आता है हमारा सम नॉट। सपोज एग्जाम्पल आपको दिया गया है सम ए इज नॉट बी, इसका कहने का मतलब है ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, तो ये मैं ए बनाता हूँ इधर बी, और अगर मैं मान लेता हूँ सपोज इतना पोर्शन, ये जो ए का पार्ट है इतना, ये बी में नहीं है, सो यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ। इसका मतलब है सम ए इज नॉट बी, सिर्फ इतना पार्ट आपका जो है जो मैंने कलर किया हुआ ये बी नहीं है, बाकी आपका पूरा पार्ट बी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये तो था हमारा डायग्राम कैसे बनता है। अब देखिए बात आती है यहाँ पर होता क्या है, आपको एक क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट के साथ आपको कंक्लूजन दिया जाएगा। कंक्लूजन ज़रूरी नहीं कि दो ही दिया जाए, कंक्लूजन आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो तीन चार जो भी हो, उसके बेस पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, इसके बाद लिखा जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ये पांच आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ये लिखा जाएगा इधर कंक्लूजन वन और टू फॉलो, चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलो, और लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको बोथ कंक्लूजन फॉलोज। ये पांच आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट आपको गिवन होगा उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है, जो मैं अपने अभी आपको सामने यहाँ पर समझाए हैं, इस तरह से आपके डायग्राम बनेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, कंक्लूजन्स जो गिवन होंगे आपको चेक करना होगा जो हमने डायग्राम बनाया है वो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, मतलब कि वो सही है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। अभी यहाँ पर आपके सामने सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इधर और वाला कभी कभी आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। इसका सीधा सा फंडा है, अगर एक कंक्लूजन में आपको सम मिल रहा है दूसरे में नो मिल रहा है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट हमारे सेम हैं, सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन जो भी मिलते हैं जितने भी कंक्लूजन हैं बोथ कंक्लूजन्स ये रॉन्ग होने चाहिए, ये गलत होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, और एक अगर कंक्लूजन में आपको सम मिल रहा है दूसरे में नो मिल रहा है, तो यहाँ पर हमेशा आपका आंसर होगा इधर और। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं बता दूंगा। या फिर अगर आपको एक कंक्लूजन में मिलता है ऑल और दूसरे में मिलता है सम नॉट, और सारे सब्जेक्ट हमारे सेम हैं दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हैं, तो आपको आंसर क्या होगा, ईदर और। ये है हमारा पूरा सिलेबस का कॉन्सेप्ट। देखिए टाइम टेबल में मैंने जो चैप्टर लिखा हुआ उसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम, ये वही चीज़ है लॉजिकल वेन डायग्राम, इसको बोला जाता है सिलेबस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन किस तरह के आते हैं।
अब ये देखिए, आपको स्टेटमेंट्स गिवन है और कंक्लूजन्स गिवन है, और उसके बाद नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहले क्या करना होता है, जो स्टेटमेंट गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम ड्रॉ करना होता है। पहला दिया गया है सम कॉल्स आर मैसेज, सो आपको सम का डायग्राम मैंने बताया था कैसे बनता है, ये कॉल्स हो गया और ये मैसेज हो गया इंटरसेक्ट करते हुए, सम कॉल्स आर मैसेज। इसके बाद ऑल मैसेजेस आर चैट। अब देखिए मैंने जो बोला क्या था आपसे, ऑल के साथ जो लगा होता है वो हमेशा अंदर की तरफ बनता है, तो ऑल मैसेजेस आर चैट मतलब कि इसके ऊपर आप चैट बना दीजिए, मैसेज के ऊपर चैट बना दीजिए, ऑल मैसेज आर चैट, इसका मतलब हो गया सारे मैसेज चैट हैं। ये डायग्राम हमारा बन गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब हमें कंक्लूजन जो गिवन होता है चेक करना होता है। देखिए गिवन, पहला कंक्लूजन गिवन है सम चैट्स आर कॉल्स, आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं जो कुछ चैट कॉल हैं, ये वाला पोर्शन आप देखिए ये कॉल में है चैट का, इसका मतलब पहला कंक्लूजन हमारा करेक्ट है। सेकंड देखिए, ऑल मैसेजेस आर कॉल्स, अब देखिए यहाँ पर ऑल मैसेजेस आर कॉल्स तो हो ही नहीं सकता, ये क्या है, ये सम है, इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया है आपको, यहाँ दिया है कि कुछ कॉल मैसेज हैं या कुछ मैसेज कॉल हैं। आपको डायग्राम से यहाँ पर दिख रहा है क्लियर कि ये है सम मैसेजेस आर कॉल्स, कुछ मैसेज कॉल है, सारे तो है नहीं, ऑल मैसेजेस आर कॉल्स तो है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला हमारा रॉन्ग है। तो अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, सो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, नो बैट इज बैडमिंटन, ये बैट हो गया, ये बैडमिंटन हो गया, नो बैट इज बैडमिंटन, कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद है नो बैडमिंटन इज फुटबॉल, अब इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद बोला गया ऑल बास्केटबॉल्स आर बैट, अब देखिए ऑल के साथ बास्केटबॉल लगा है, इसका मतलब बास्केटबॉल कहाँ आएगा, इसके अंदर, बैट के अंदर, ये आपका हो गया बास्केटबॉल। अब चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं, पहला कंक्लूजन है सम बैट्स आर बास्केटबॉल, सम बैट्स आर बास्केटबॉल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको ये गिवन है ऑल ए आर बी, आउटसाइड से अगर इनसाइड की ओर चलेगा तो आपका हमेशा लगेगा सम, और अगर इनसाइड से आउटसाइड की ओर मूव करेगा तो आपका हमेशा फॉलो करेगा ऑल। अब यहां पर क्या बोला गया है कंक्लूजन में, सम बैट्स आर बास्केटबॉल, मतलब कि बैट से बास्केटबॉल, आउटसाइड से इनसाइड चल रहा है तो क्या लगना चाहिए, सम, और इन्होंने बोला क्या है, सम बोला है, इसका मतलब पहला कंक्लूजन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नो फुटबॉल इज बास्केटबॉल, अब देखिए फुटबॉल यहाँ पर है, बास्केटबॉल यहाँ पर है, इसका और इसका, बास्केटबॉल का और फुटबॉल का कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं गिवन है। सो अब आप कहेंगे कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब है कि ये सही है, कोई भी बास्केटबॉल फुटबॉल नहीं है, ऐसा गलती कभी मत करिएगा, यहीं पर सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। इसका ये बास्केटबॉल है, ये फुटबॉल है, इसका और इसका कोई रिलेशन गिवन नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 100% की कोई भी बास्केटबॉल फुटबॉल नहीं है, ये हो भी तो सकता है। तो जब भी इस तरह का आपको गिवन हो, अगर कोई भी आपको रिलेशन नहीं मिल रहा है और वहाँ पर बोला गया है और वही बोल दिया गया है कि नो बास्केटबॉल इज़ फुटबॉल या नो फुटबॉल इज़ बास्केटबॉल, तो ये हमेशा आपका गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तो कोई भी बास्केटबॉल फुटबॉल नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आप 100% नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी बास्केटबॉल फुटबॉल नहीं है, सो इसलिए ये गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, नो बैडमिंटन इज़ बास्केटबॉल, नो बैडमिंटन इज बास्केटबॉल, अब देखिए इसको कैसे समझते हैं, ये भी एकदम करेक्ट है ये। अब ये कैसे करेक्ट है, इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखिए ये आपका है बास्केटबॉल, इसके ऊपर बना है आपका बैट, और इसका बैडमिंटन का, बैट का और बैडमिंटन का कोई रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन में क्या बोला गया है कि नो बैडमिंटन इज बास्केटबॉल, कोई भी बैडमिंटन बास्केटबॉल नहीं है। अब देखिए जब ये पूरा पोर्शन जो आपका है बैट वाला, जब ये पूरा बैडमिंटन के अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या बास्केटबॉल जा पाएगा, वो भी नहीं जा पाएगा, इसका मतलब ये सही है। एक एग्जांपल से बता देता हूँ, देखिए सपोज अगर आप यूपी में रहते हैं, ये यूपी है, यूपी जो है ये हमारा एमपी में नहीं जा सकता है, यूपी एमपी में नहीं जा सकता है। यूपी के अंदर मान लीजिए आप कहीं किसी सिटी में रहते हैं, मान लीजिए सपोज आप गाज़ियाबाद में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं,
तो ये यूपी के अंदर लखनऊ है। अब देखिए, जब आप पूरा यूपी आपका एमपी में नहीं जा सकता है, पूरा यूपी एमपी नहीं हो सकता है, तो उसके अंदर जितनी सिटीज़ होंगी वो भी एमपी में नहीं जा पाएंगी। तो यूपी के अंदर जो है लखनऊ, ये भी इसमें नहीं जा पाएगा। सो वही यहाँ पर बोला गया है, नो बैडमिंटन इज़ बास्केटबॉल, कोई भी बास्केटबॉल बैडमिंटन नहीं है। बिल्कुल सही है, जो अभी आपको ये एग्जाम्पल से समझाया है वही चीज़ है यहाँ पर। सो अब हमारा इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ओनली वन, थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन फॉलोज फॉलो। अब देखिए, ऑप्शन में आपको गिवन है, ऐसा कहीं ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है। सो आंसर इज नन ऑफ दीज। यहाँ तक बात क्लियर है? अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम। ये हो गया हमारा व्हाट्सएप, कोई रिलेशन नहीं है, क्रॉस कर दीजिए। ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम। इसके बाद बोला ऑल इंस्टाग्राम्स आर फेसबुक। सो ऑल के साथ है इंस्टाग्राम, इसका मतलब है कि अंदर रहेगा। ये हो गया आपका फेसबुक। इसके बाद बोला सम फेसबुक आर स्काइप। अब सम है तो इंटरसेक्ट कर दीजिए स्काइप। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे ये डायग्राम बनते हैं ये लीस्ट टचिंग डायग्राम होने चाहिए। अब स्काइप आप यहाँ से इसको टच करते हुए नहीं बनाएंगे, यहाँ से आपने पता चला यहाँ से बना दिया, ऐसा नहीं होता है। लीस्ट टचिंग डायग्राम होता है, जितना कम से कम टच करेंगे उतना ही आपका आंसर करेक्ट आएगा, एक्यूरेट आएगा। ये बन गया हमारा डायग्राम। फर्स्ट कंक्लूजन देखिए क्या बोला है, नो व्हाट्सएप इज स्काइप, कोई भी व्हाट्सएप स्काइप नहीं है। अभी आपको ठीक पहले ही मैंने बताया था, जब भी इसके इसके बीच में कोई रिलेशन दिया आपको, व्हाट्सएप स्काइप के बीच में कोई रिलेशन दिया है? नहीं। और वो कह रहा है कोई व्हाट्सएप स्काइप नहीं। अब आप कहेंगे हमको दिख तो रहा है कि हाँ कोई नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। 100% थोड़ी कन्फर्म है आपको कि हाँ नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो जब भी ऐसा आपको दिया हो, अगर कोई रिलेशन नहीं गिवन है और नो में पूछ लिया जाता है, तो हमेशा आपका आंसर होता है गलत। सो ये क्या होगा हमारा, नो व्हाट्सएप स्काइप, रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, सम फेसबुक आर इंस्टाग्राम। अब देखिए, ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है, आउटसाइड से इनसाइड चल रहा है। मैंने आपको बताया था आउटसाइड से इनसाइड क्या होता है, सम लगता है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, वही बोला गया है, सम सम फेसबुक आर इंस्टाग्राम, मतलब फेसबुक से इंस्टाग्राम की तरफ चल रहा है, आउटसाइड से इनसाइड। सो क्या फॉलो करेगा, सम। और यहाँ पर सम ही बोला गया, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सम बॉक्सेज आर हैमर्स। ये बन गया हमारा, सम बॉक्सेज आर हैमर्स। इसके बाद है सम हैमर्स आर डील, ये भी बन गया। इसके बाद बोला ऑल डील्स आर रिंग्स। सो ऑल के साथ डील लगाए तो डील अंदर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा हमारा रिंग। यहाँ तक क्लियर? अब कंक्लूजन पढ़िए, सम रिंग्स आर हैमर्स। अब देखिए, रिंग का कुछ पार्ट हैमर में है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है, इसका मतलब ये सही है। इसके बाद सम हैमर्स आर बॉक्सेस, कुछ हैमर बॉक्सेस हैं, ये वाला पोर्शन देखिए आप, हैमर का बॉक्सेस में है, ये भी सही है। इसके बाद बोला है सम रिंग्स आर बॉक्सेस। अब देखिए, रिंग यहाँ पर आपका ये बना हुआ है, ये आपका रिंग है, ये क्या बॉक्सेस में टच कर रहा है क्या? बॉक्सेस से कोई रिलेशन है? कुछ नहीं है। सो इसका मतलब रॉन्ग। आंसर क्या होगा, ओनली वन एंड टू फॉलो, ऑप्शन सी। यहाँ तक एकदम क्लियर? अब चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन गिवन है सम ड्रेस आर कवर्स। ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। ये ड्रेस हो गया, ये आपका कवर्स हो गया। ऑल कवर्स आर पेपर, ऑल के साथ कवर लिखा है तो कवर अंदर आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा हमारा पेपर। ऑल कवर्स आर पेपर्स। इसके बाद बोला ऑल पेपर्स आर बैग्स। अब देखिए, ऑल के साथ क्या लगा है, पेपर, तो इसका मतलब पेपर अंदर आएगा, इसके ऊपर आपका क्या ड्रॉ हो जाएगा, ये हो जाएगा बैग। अब यहाँ तक आप डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, ऑल कवर्स आर बैग्स। देखिए, कवर्स आर बैग मतलब कि कवर से बैग की तरफ चल रहा है, इनसाइड से आउटसाइड, इनसाइड से आउटसाइड क्या लगता है, मैंने आपको बताया था ऑल, और बोला क्या गया है ऑल, इसका मतलब पहला कंक्लूजन करेक्ट है। इसके बाद बोला सम बैग्स आर कवर्स पेपर्स एंड ड्रेस। बैग्स आर कवर्स, बैग्स आर कवर्स, आउटसाइड से इनसाइड सम बोला गया, हाँ ये है एकदम करेक्ट है। पेपर्स ये भी है, सम बैग्स आर कवर्स भी है, सम बैग्स आर पेपर्स भी है, बैग से पेपर की ओर चल रहा है, आउटसाइड से इनसाइड मूव हो रहा है, तो क्या लगता है सम, और यही उसमें बोला गया है कंक्लूजन में, ये भी सही है। इसके बाद बोला सम बैग्स आर ड्रेसेस। अब देखिए, ये बैग बना हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ड्रेस में भी जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि
ये भी सही है, सारे सही हैं यहाँ पर, सो ये कंक्लूजन टू भी सही है। इसके बाद बोला है सम ड्रेस आर नॉट पेपर्स। अब आप कहेंगे इतना पोर्शन तो पेपर में है बट बाकी नहीं है, सो इसका मतलब कि ये सही है, ऐसा नहीं है। देखिए ये ज़रूरी नहीं आप 100% नहीं बोल सकते हैं कि ये कुछ ड्रेस पेपर नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव गिवन होते हैं, इफ स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव कंक्लूजन कैन नेवर बी निगेटिव। कंक्लूजन जो है आपका कभी भी निगेटिव नहीं होगा अगर आपको सारे स्टेटमेंट जो हैं ये पॉजिटिव गिवन है, सारे पॉजिटिव दिए हैं। यहाँ पर देखिए नॉट लगा है कहीं, कहीं नहीं लगा है। और कंक्लूजन में अगर आपका नॉट लग जाता है तो हमेशा आंसर आपका गलत होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव आपका स्टेटमेंट आपका अगर पॉजिटिव गिवन है तो आपका कंक्लूजन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, सो ये हो जाएगा गलत। सो पहला सही दूसरा सही, ऑप्शन बी ओनली वन एंड टू फॉलो। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्पैरो आर बर्ड, ये आपका हो गया स्पैरो और इसके ऊपर बना देंगे हम बर्ड, ये हो गया बर्ड, ऑल स्पैरो आर बर्ड। इसके बाद बोला नो पैरट इज बर्ड, कोई भी पैरट बर्ड नहीं है। और उसके बाद बोला है सम कैमल्स आर पैरट, ये सम वाला बन गया, कैमल्स आर पैरट, डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, सम बर्ड्स आर कैमल्स, बर्ड का कैमल से कोई रिलेशन है क्या? नहीं है, गलत है। नो कैमल इज स्पैरो, अब देखिए फिर वही बात आ गई, यहाँ पर देखिए आप क्या है, स्पैरो का और कैमल का कोई रिलेशन है? नहीं है। और वो वही बोल रहा है नो कैमल इज स्पैरो, आप 100% नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी कैमल स्पैरो नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये भी रॉन्ग है। इसके बाद बोला है सम स्पैरोज आर पैरट, देखिए अब सम स्पैरो आर पैरट गलत ही है क्योंकि ये तो पूरा निगेटिव है, जब कोई भी बर्ड पैरट में नहीं जा सकता है तो उसके अंदर वाला भी पूरा नहीं जाएगा, सो सम तो लग ही नहीं सकता, यहाँ पर तो सीधे सीधे नो लग रहा है, सो ये भी गलत है। सो आंसर इज नन फॉलोज ऑप्शन ए। चलिए अब आगे चलते हैं, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, ये हो गया ट्रेन और ये इसके ऊपर बन गया हमारा बस, ऑल ट्रेन्स आर बसेस। नो मेट्रो इज बस, नो मेट्रो इज बस। ऑल बोट्स आर मेट्रो, ऑल बोट्स आर मेट्रो, सॉरी एक सेकेंड, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, नो मेट्रो इज बस, ये मेट्रो है यहाँ पर, बस नहीं है ये, मेट्रो है ये। यहाँ तक बन गया आपका नो मेट्रो इज बस, तो ये बन गया नो का। इसके बाद बोला ऑल बोट्स आर मेट्रो, अब बोट्स किस ऑल के साथ क्या लगा है, बोट्स, इसका मतलब इसके अंदर आ जाएगा हमारा बोट्स, ऑल बोट्स आर मेट्रो, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, चलिए पहला कंक्लूजन बोला है नो बोट इज ट्रेन, नो बोट इज ट्रेन। अब देखिए मेट्रो के अंदर है ना हमारा बोट, मेट्रो के अंदर ही तो है, अब जब मेट्रो पूरा इसमें नहीं जा सकता है तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो पूरा इसमें नहीं जाएगा, वही वो बोल रहा है कि कोई भी बोट ट्रेन नहीं है, एकदम करेक्ट है। देखिए जब ये मेट्रो पूरा इसमें इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो भी इसमें नहीं जाएगा, सो इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट देखिए नो बस इज बोट, अब बस और मेट्रो का हमें रिलेशन दिया है कि ये बस है और ये मेट्रो है और इसके अंदर है ये बोट, अब वो कह रहा है कि कोई भी बस बोट नहीं है, कोई भी बस बोट नहीं है। अब जब आप देख सकते हैं क्लियर, इसके अंदर वाला पूरा पोर्शन उसका बस से कोई रिलेशन नहीं है, वो बस के अंदर जा ही नहीं सकता है तो उसके अंदर वाला भी नहीं जा पाएगा, इसका मतलब दूसरा भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए नो ट्रेन इज मेट्रो, एकदम करेक्ट है, यहाँ पर देखिए आप बस का पूरा जो है ये पोर्शन ये मेट्रो में जा ही नहीं सकता है, सो इसके अंदर जो होगा वो भी नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी सही है, कोई भी ट्रेन मेट्रो नहीं होगा, सो आंसर इज ऑल फॉलो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, सम हिल्स आर रिवर्स, सम हिल्स आर रिवर्स, पहले डायग्राम बना लेते हैं, हिल्स आर रिवर्स, सम रिवर्स आर डेजर्ट्स, ऑल डेजर्ट्स आर सी, अब ऑल के साथ डेजर्ट लिखा है तो अंदर बन जाएगा और ये हो गया हमारा सी। पहला कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, सम सी आर रिवर्स, देखिए सी का ये पोर्शन है रिवर में, सही है,
सम सी आर हिल्स, अब हिल्स और सी का कोई रिलेशन नहीं है, गलत है। सम डेजर्ट्स आर हिल्स, डेजर्ट का और हिल का कोई रिलेशन नहीं है, गलत है, रॉन्ग। आंसर इज ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। सम ब्लैक आर पिंक, ये बन गया हमारा ब्लैक और सम है तो इंटरसेक्ट करते हुए बन जाएगा पिंक। इसके बाद है सम पिंक आर ब्लू, अब ये भी सम है तो इंटरसेक्ट करते हुए बन जाएगा। फिर है सम ब्लू आर वाइट, ब्लू आर वाइट, ये हमारा बन गया डायग्राम। कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। देखिए पहला कंक्लूजन है सम वाइट आर ब्लैक। अब देखिए वाइट और ब्लैक का कोई रिलेशन दिया है? नहीं दिया है, तो पहला कंक्लूजन गलत है। इसके बाद देखिए सम ब्लू आर ब्लैक, सम ब्लू आर ब्लैक कोई रिलेशन है? कोई नहीं है, गलत है। इसके बाद तीसरा देखिए सम ब्लैक आर ब्लू, ब्लैक आर ब्लू है कोई रिलेशन? कोई नहीं है। इसके बाद है नो वाइट इज ब्लैक। अब देखिए कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम नो तो बोल ही नहीं सकते, कि जरूरी थोड़ी कि हाँ पूरा नहीं होगा, हो भी सकता है, ये भी गलत है। चारों कंक्लूजन्स रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो समझने वाली चीज़ है, मैंने आपको बताया था इधर और कब लगता है। पहली कंडीशन जब हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, दूसरी कंडीशन सारे सब्जेक्ट हमारे सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट जो है वो सेम होने चाहिए, कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, और मिलना क्या चाहिए, एक कंक्लूजन में सम और दूसरे में नो। अब यहां पर आप पहला वाला कंक्लूजन पढ़िए, सम वाइट आर ब्लैक, यहां पर वाइट गिवन है और यहां पर ब्लैक गिवन है। और लास्ट वाला कंक्लूजन पढ़िए, नो वाइट इज ब्लैक, यहां पर वाइट गिवन है, यहां पर ब्लैक गिवन है, मतलब कि सब्जेक्ट हमारे दोनों में सेम है, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। और क्या मिल रहा हमें? सम और नो। इसमें क्या मिल रहा हमें? सम मिल रहा है, और इसमें क्या मिल रहा है? नो। और इसके बाद हमारी लास्ट कंडीशन क्या है, जो जो हमारे कंक्लूजन्स हैं वो दोनों गलत होने चाहिए। पहला कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग निकला था और लास्ट कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग निकला था। सो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ईधर और। ये बहुत ध्यान रखिएगा इसका, इसके ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ईधर और के। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी सब्जेक्ट सेम है, ये भी दोनों जो है कंक्लूजन रॉन्ग है, यहाँ पर क्यों नहीं लगा? यहाँ पर इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर पहले वाले में सम है, दूसरे वाले में भी सम है। आपको क्या चाहिए? एक में चाहिए सम और दूसरे में चाहिए नो। जब ये होगा, सम होगा और नो होगा, या फिर ऑल होना चाहिए और सम नॉट, तभी आपका इधर और होगा। सो ऑप्शन देख लीजिए, ओनली इधर वन और फोर फॉलोज, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ऑल ग्रासेस आर फ्लावर्स, ये ग्रास हो गया, इसके ऊपर हमारा फ्लावर्स बन गया। नो फ्लावर इज श्रब, श्रब मीन्स होता है मतलब झाड़ी। नो फ्लावर इज श्रब, ये बन गया। इसके बाद देखिए कंक्लूजन पढ़ते हैं, नो ग्रासेस आर श्रब, वही आपको बताया, जब ये पूरा फ्लावर जो है पूरा हमारा उत्तर प्रदेश एमपी में नहीं जा सकता है, तो यूपी के अंदर जितनी सिटीज़ हैं वो भी एमपी में नहीं जा पाएंगी, इसका मतलब ग्रास हमारा श्रब में नहीं जा पाएगा। सो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद है सम श्रब्स आर ग्रासेस, अब देखिए गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन क्या दिया है? नो का दिया है, मतलब कि इसका इसका कोई रिलेशन नहीं, तो कुछ तो हो ही नहीं सकता है, गलत है। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से वही आ गया, मिला आपको कुछ, ये मिला आपका नो, ये मिला आपका सम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट आपको सारे सेम मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब यहाँ पर इधर और लग जाएगा, इधर और इसलिए नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया इधर और कब लगता है, जब हमारे दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए। पहला कंक्लूजन हमें सही मिल गया है, इसका मतलब यहाँ पर इधर और नहीं लगेगा। सो ये ऑप्शन ए टिक मत कर दीजिएगा, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? नन ऑफ दीज, ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलोज। सो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका कंक्लूजन दोनों गलत होंगे तभी इधर और लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। बिकॉज आप बोलेंगे सारी कंडीशन मिल रही है, नो भी मिल रहा है, सम भी मिल रहा है, सब्जेक्ट भी सारे सेम मिल रहे हैं, बट कंक्लूजन एक हमारा सही है। सो जब एक कंक्लूजन सही हो गया तो इसका मतलब आंसर ओनली वन फॉलोज। अगर ये भी गलत होता तब आप लगा देते इधर और। चलिए आगे चलते हैं। 11th, ऑल विंडो आर रूम, ये हो गया विंडो और ये हो गया पूरा हमारा रूम। नो रूम इज वॉल, ये हो गया हमारा वॉल, ये तो हमारा डायग्राम बन गया स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, नो विंडो इज वॉल, सीधी सी बात है, जब ये पूरा वॉल में नहीं जाएगा तो इसके अंदर वाला विंडो भी नहीं जाएगा, सही है।
इसके बाद क्या है, नो वॉल इज रूम, नो वॉल इज रूम, बिल्कुल सही है, ये तो दिया ही हुआ है, एकदम सही है, कोई भी वॉल रूम नहीं है, ये तो आपको गिवन है। सो आंसर क्या हो जाएगा, इफ बोथ कंक्लूजन्स वन एंड टू फॉलो, दोनों सही है ना हमारे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़िए, ऑल लायन लायन लायंस आर टाइगर, ये लायन हो गया और ये टाइगर। इसके बाद सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, ये हो गया हॉर्सेस, डायग्राम बन गया। कंक्लूजन देखिए, सम हॉर्सेस आर लॉयन, अब देखिए मैंने इसीलिए आपको बताया था लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना चाहिए, अगर आप इसको यहाँ से टच करा के बना देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो इसलिए जितना कम से कम टच करें वैसा ही बनाना चाहिए। अब सम हॉर्सेज आर लॉयन, ये टच कर रहा है क्या, कोई रिलेशन है, नहीं है, गलत। नो हॉर्स इज लॉयन, कोई भी हॉर्स लॉयन नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बताया जब रिलेशन नहीं दिया जाता है, ये ए है ये बी है, कोई रिलेशन नहीं है, और अगर आपको बोल दिया जाता है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं, आप बोलेंगे तो हाँ यहाँ पर दिख रहा है कि भैया कोई ए बी नहीं है, बट ऐसा नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि आप 100% थोड़ी बता सकते हैं कि कोई भी ए बी नहीं है, ये हो भी तो सकता है। सो इसका मतलब दूसरा भी गलत है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, एक कंडीशन मिली, दूसरी क्या है, सम होना चाहिए नो होना चाहिए, ये भी मिल गया हमें, और इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हमारे सेम होने चाहिए, हॉर्स होना चाहिए लॉयन होना चाहिए, हॉर्स होना चाहिए लॉयन होना चाहिए, तीनों कंडीशंस मैच कर गई हमारी। इसका मतलब इफ इधर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज, आई थिंक अब शायद आपका फंडे क्लियर हो गए होंगे। बस लास्ट क्वेश्चंस और हैं, ये इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। सम नाइफ आर शार्प, ये हो गया नाइफ, ये हो गया शार्प, ऑल नाइफ आर रस्टी, अब ऑल है इसका मतलब नाइफ अंदर रहेगा रस्टी ऊपर जाएगा, सो ये बन गया हमारा रस्टी। फर्स्ट पढ़िए, डायग्राम बन गया, पहला पढ़िए, सम रस्टी आर शार्प, क्लियर बिल्कुल साफ दिख रहा है ये वाला पोर्शन है, एकदम सही है। सम रस्टी आर नॉट शार्प, अब देखिए मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट पॉजिटिव गिवन हो, स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन निगेटिव हो तो क्या होगा, गलत होगा। सो इसका मतलब ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, सिर्फ पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, उनका रिलेशन दिया गया तो नो तो हो ही नहीं सकता है, सो स्टेट जो कंक्लूजन है वो निगेटिव हो ही नहीं सकता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट देखिए, ऑल हट्स आर होम, ऑल होम आर टेम्पल्स, ये होम के ऊपर टेम्पल आ गया, डायग्राम बन गया। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, सम टेम्पल्स आर हट्स, अब ये देखिए टेम्पल्स आर हट्स मतलब कि टेम्पल से कहाँ चल रहा है, हट की ओर, आउटसाइड टू इनसाइड, क्या लगता है सम, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब करेक्ट है। इसके बाद देखिए, सम टेम्पल्स आर होम, टेम्पल से होम, आउटसाइड टू इनसाइड, क्या लगता है सम, वही बोला गया है। सो दोनों कंक्लूजन्स करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इफ बोथ कंक्लूजन्स वन एंड टू फॉलो। सो ये था हमारा पूरा सिलॉज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये टॉपिक तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।